नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्यूज बकर्स पे। दोस्तों मैं शुभम आज आपके साथ शेयर करूंगा 6 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप डेली के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, अंत में आपसे टेस्ट लूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस और आंसर्स का एनालिसिस हो सके। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस खतरे पर प्रतिक्रिया देने के लिए गठित विभिन्न सशक्त समूहों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों वो की थी नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस खतरे पर प्रतिक्रिया देने के लिए गठित विभिन्न सशक्त समूहों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क, दस्ताने और वेंटिलेटर जैसे सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पतालों की उपलब्धता, संगरोध सुविधाओं आदि के बारे में देशव्यापी तैयारी की समीक्षा की। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, अप्रैल 2020 में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया? दोस्तों वो है चाइना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया। ये 1 अप्रैल 1950 भारत एशिया के में चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश बन गया। दोनों देशों ने इस अवसर को चिन्ह करने के लिए 2019 में भारत और चीन में से प्रत्येक में 35 अर्थात कुल 70 आयोजन करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन इस योजना को महामारी के कारण रोकना पड़ा। चीन की राजधानी याद रखिएगा बीजिंग है, वहाँ की मुद्रा चीनी युआन है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3rd है, अप्रैल 2020 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और किसके बीच एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी गई है? दोस्तों वो है टोटल ASA। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल ASA के बीच एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले एक संयुक्त उद्यम को अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा शामिल किया जाएगा और बाद में अडानी ग्रीन के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सहायक कंपनी को संयुक्त उद्यम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में टोटल ASA द्वारा संयुक्त उद्यम की इक्विटी को और शेयर पूंजी का 50% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिग्रहण शामिल किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4th है, यूनिसेफ के सहयोग से किस राज्य ने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर है ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर का, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर कितने धीमी होने का अनुमान लगाया है? दोस्तों वो है 4.0। याद रखिए, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि 4% तक धीमी होने का अनुमान लगाया। ऐसा 3 अप्रैल 2020 को जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 में कहा गया है। ADO इसका वार्षिक प्रमुख आर्थिक प्रकाशन है। बैंक को उम्मीद है कि सरकार के सुधारों से वित्त वर्ष 2020 देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि बढ़कर 6.2% हो सकती है। इसका जो याद रखिएगा, ADB का जो मुख्यालय है वो है मार्डुल्युआंग में, फिलीपींस में है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 19 दिसंबर 1966। 53 वर्ष पे हो चुके हैं इसको और हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है। ठीक है, मार्डुल्युआंग में, ये आप याद देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब टेस्ट से। टेस्ट के 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस खतरे पर प्रतिक्रिया देने के लिए गठित विभिन्न सशक्त समूहों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2020 में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया? इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर कमेंट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2020 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और किसके बीच एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी गई। सही आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। यूनिसेफ के सहयोग से किस राज्य ने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है। सही आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर कितना धीमी होने का अनुमान लगाया है। तो सही आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका मुख्यालय ज़रूर बताइएगा और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज की करंट अफेयर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ करंट अफेयर्स और GK की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।